আমরা করে নব গুরুকুল আমরা করে নব গুরুকুল বেলের আলোকে রাঙিয়ে দেব প্রতিটি পরিফুল করে নব গুরুকুল আমরা করে নব গুরুকুল বেলের আলোকে রাঙিয়ে দেব প্রতিটি পরিফুল করে নব গুরুকুল আমরা করে নব গুরুকুল আমরা করে নব গুরুকুল Anand Mark has been running about 2000 schools all over the world और उन schools को supervise करने के लिए और coordinate करने के लिए एक 1990 में हम लोगों का एक Anand Mark गुरुकुल की स्थापना की गई On September 7, 1990 श्री श्री Anandamurti जी he laid the foundation of Anand Mark गुरुकुल Before that it was called Anand Mark Board of Education So Board of Education was replaced by Anand Mark Gurukul. Now the purpose of Anand Mark Gurukul is to serve humanity with a new humanist spirit and to acquire knowledge for that purpose. So hum log teachers ko training dete hain on the lines of new humanist education. Aur yahan par hamare Anand Nagar mein to 57 schools are there but Gurukul has taken up also one project, a Gurukul Learning Center in Gopalanand Nagar in Chitmu. And the children they are getting spiritual education plus they are also getting scientific knowledge in scientific about astronomy about astrophysics about languages and they can say for instance thank you in 35 languages of the world and so like this many new ideas they we have inculcated in order to create in children एक यूनिवर्सल माइंडसेट तो हम लोग चाहते हैं कि दुनिया में यदि वर्ल्ड पीस लाना है तो उसके लिए बच्चों से ही उनको ऐसा उनको एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाए ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि उनकी मानसिकता जो ग्रो करेगी वो यूनिवर्सल माइंडसेट होगा और सेवा से गाइडेड स्पिरिचुअलिटी से गाइडेड होगी तो इस संदर्भ में हम लोग बीच बीच में टीचर्स का ट्रेनिंग भी करते हैं और कुछ पब्लिकेशन भी तैयार किए हैं जैसे स्टू बॉल पब्लिकेशन की जो हम ऐसे जो चितमू गांव में मैं ग्राम में बच्चों को सिखा रहा हूं उनको इट इज़ आल्सो बीइंग रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेड इन दैट स्टू बॉल बुक हम लोग एक जर्नल निकलता है न्यू ह्यूमनिस्ट रिव्यू विच इज़ एन एकेडेमिक जर्नल क्योंकि हम ये आनंद नगर इज़ द हब विल बी द यूनिवर्सिटी ऑफ आनंद मार्ग एंड यहाँ पर देयर बी मैनी रिसर्च सेंटर्स जैसे हॉर्मोन रिसर्च सेंटर इलेक्ट्रो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर देयर आर 233 एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स प्राउड रिसर्च इंस्टीट्यूट माइक्रोवाइटा रिसर्च सेंटर तो इस प्रकार रिसर्च ओरिएंटेशन भी है और हायर एजुकेशन में अभी तो केवल फैकल्टी एक न्यू ह्यूमनिस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खुला है आनंद मार्ग गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज
In the future, we also have plans for Ayurvedic College, Nursing College, Rural Medical College, or Agricultural College, Fine Arts College, Music College. So already some things are going on in those fronts. So the purpose of Anand Marg Gurukul is to coordinate, to provide a new direction in the field of education, just make it is built on inner ecology and outer ecology. Respect for nature, respect, love for plants and animals and birds and insects and reptiles and everything. And also how we can tap the potentiality, जो हमारे अंदर में जो संभावनाएं हैं उनको कैसे विकसित किया जाए, उनको कैसे डेवलप किया जाए, उनको कैसे एक्सप्रेस किया जाए, उसके लिए भी हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। तो ये हम लोग का चक्रधुरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव हब है। यहाँ से पूरा हमारा गुरुकुल का एक्टिविटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम हियर। यहाँ इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मेन बिल्डिंग जो है, ये अभी रिसेप्शन सेंटर तो बना है लेकिन द मेन बिल्डिंग इज येट टू बी, अब 2024 में हम उस बिल्डिंग को कम्प्लीट करना चाहते हैं। उसके लिए हम फंड रेजिंग भी के लिए भी अप्रोच कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि केवल एक दो लोग के रिसोर्सेज से ही ये बने। हमारे गुरुदेव की इच्छा थी कि इट शुड बी सपोर्टेड बाय मेनी मेनी पीपल। तो हम गवर्नमेंट का फंड्स नहीं लेते हैं, तो ये एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए वी आर वेलकमिंग सपोर्ट फ्रॉम ऑल पीपल सो दैट वी कैन कम्प्लीट दिस कैंपस। हमारे दो और कैंपसेज हैं यहाँ पर, एक गुरिडीह में मोहनानंद नगर में है और एक गोपालानंद नगर में 5 acre का यहाँ है, 10 acre का वहाँ है। तो ये एक्चुअली इट इज़ एजुकेशनल सिटी, समझिए कि एक टाउनशिप डेवलप करने की परिकल्पना हम लोगों की है। तो अनंत मार्ग गुरुकुल, ये जो अनंत मूर्ति जी ने जो गान दिए 5019 सॉन्ग्स, उसका जो लास्ट 2 सॉन्ग्स थे, एक था अनंत नगर के ऊपर और दूसरा था कि गुरुकुल को बनाने के लिए। एक्चुअली उनका शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने जो लास्ट सॉन्ग दिया वो था अम राग घोड़े नोबो गुरुकुल, मीन्स हम लोग गुरुकुल की स्थापना करेंगे यहाँ पर। तो ये जो गुरुकुल होगा इसमें 500,000 स्टूडेंट्स विल बी एबल टू स्टडी इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स, यू नो, कोई फिजिक्स में, कोई केमिस्ट्री में, कोई मैथमेटिक्स में, कोई यू नो सोलर एनर्जी में, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रिसर्च होगा और स्टडी होगा। तो उसके लिए इट इज़ वी आर प्रिपेयरिंग। अब हो सकता है इसमें इट मे टेक अ डेकेड, इट मे टेक 100 years। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी जब शुरू किए तो एक स्कूल से शुरू किए थे उनके फादर, और वो आज एक इतना बड़ा विश्व भारती यूनिवर्सिटी बना हुआ है। अभी तो गवर्नमेंट से पूरा फाइनेंसिंग होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा जो ये इंस्टीट्यूशन होगा इट शुड बी पब्लिकली फंडेड, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट फॉर रिसोर्सेज, और सेवा से गाइडेड होके ये इंस्टीट्यूशन हम लोग खड़ा करना चाहते हैं। तो इसमें हम लोगों को कई लोगों की को जुड़ने की ज़रूरत है। वी वेलकम पीपल हु आर इंस्पायर्ड बाय हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ। और हमारे ये जो बच्चे हैं इनको भी हम ऐसी ट्रेनिंग दें कि बाद में यही जो हैं ये इस इंस्टीट्यूशन के एक नींव बनेंगे। तो अबाउट 120 स्टूडेंट्स आर नाउ स्टडिंग इन माय चित्मू गुरुकुल लर्निंग सेंटर, एंड बट वी हैव मैनी सच लर्निंग सेंटर्स हेयर इन इनपुट, 57 ऑफ देम दे आर बींग डेवलप्ड हेयर। तो वी वेलकम द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीबॉडी, एंड दिस इज माई ड्रीम टू क्रिएट विजडम टीचर्स, होल टाइमर्स हम लोग बोलते थे, बट यू डोंट हैव टू बी अ सन्यासी, बट आपका एक एजुकेशन के प्रति लगाव होना चाहिए और सेवा के देने का की भावना रहनी चाहिए। उस भावना से यदि कोई हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस, एंड हमारा एक न्यूज़लेटर निकलता है गुरुकुल नेटवर्क, वो लास्ट 25 साल से रेगुलरली निकल रहा है, बाय एनुअल है, एक जनवरी में और एक मई में, वो जुलाई में इशू होता है, और उसमें पूरे वर्ल्ड का हमारा गुरुकुल का एक्टिविटीज़ जो है gurukul.edu हमारा जो वेबसाइट है उसमें आप उसको पा सकते हैं। और जो न्यू ह्यूमनिस्ट रिव्यू हमारा मैगजीन है विच इज़ एकेडमिक मैगजीन, दैट इज़ अवेलेबल ऑन theNewHumanist.com। उसमें जाने से यू कैन सी द इनॉग्रल इशू, सितंबर में इशू हुआ था, यू कैन हैव एक्सेस। सो विद दीज वर्ड्स आई लाइक टू थैंक यू एंड वेलकम वन एंड ऑल टू सपोर्ट गुरुकुल एंड टू हेल्प अस to finish this task at the earliest.